जी हाँ, किसका राज्याभिषेक? गुजरात चुनाव का मेगा ब्लॉकबस्टर शो लेकर हाजिर है हम मोरबी में। इस वक्त हम मौजूद हैं वो मोरबी जो मोरबी में जो हादसा हुआ उसकी वजह से लगातार पिछले दिनों सुर्खियों में रहा। मोरबी पैलेस के ठीक सामने हमारी हाईटेक बस खड़ी है और आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। यानी आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता के सामने रख दिया गया है। इसुदान गढ़वी क्या वाकई जनता में वो क्रेज क्रिएट कर पाएंगे? इसुदान गढ़वी गुजरात के लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम है क्योंकि पेशे से पत्रकार रहे हैं। 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो, लेकिन इसुदान गढ़वी क्या वाकई आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दशकों बाद ऐसा हुआ है गुजरात की सियासत में हम देख रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है बल्कि लड़ाई ट्रायंगुलर हो चुकी है, त्रिकोणीय हो चुकी है। तो इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा ये बड़ा सवाल है। और मोरबी में हम मौजूद हैं। मोरबी हादसे की अगर बात की जाए तो चुनावी जंग के लिहाज से, वोट युद्ध के लिहाज से ये मुद्दा कितना बड़ा है इस पर भी करेंगे हम बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाई श्री इसुदान भाई गढ़वी, 73% लोगों ने इसुदान गढ़वी जी का नाम। इस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठाया। 73% लोगों ने इसुदान गढ़वी जी का नाम। इसुदान गढ़वी को चेहरा बनाकर आपका मकसद वोट गणित में खास दबदबा रखने वाले ओबीसी वोट बैंक को साधना है। पिपलिया में 1982 को जन्मे इसुदान पेशे से पत्रकार रहे हैं। 14 जून 2021 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। साफ छवि वाले गढ़वी की पहचान प्रदेश में जमीनी नेता के तौर पर रही है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसुदान गढ़वी गेम चेंजिंग फैक्टर साबित नहीं होंगे। कैंडिडेट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप फर्जीवाड़ा कर हमने लोगों से रिस्पांस लिया, लोगों से फोन किया, सब पता, सब नकली काम हो रहा है। बहरहाल चेहरे की लड़ाई से अलग आम आदमी पार्टी मोरबी हादसे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जिस मंच से मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा हटा उसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने पहले ब्रिज हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सबने विनती है कि पोताना स्थान ऊपर उभा थाय। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। मोरबी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी काबिज है। क्या मोरबी फैक्टर गुजरात के चुनावी समीकरणों को बदल पाएगा? आज यही जानने टीवी 9 भारत वर्ष की हाईटेक बस मोरबी में मौजूद है।